बनाएंगे टाइम टेबल, इतने बजे सो रहा है उतने बजे उठना है, फजर की नमाज लाजिमन मस्जिद में पढ़नी है, और मस्जिद के बाद, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हरगिज घर वापस जाकर फौरन नहीं सोना। इससे ज्यादा मनूस आदत इस छत के नीचे नहीं हो सकती। अजीब मुसीबत है, मुसलमान कहीं नौजवान जॉगिंग करते हुए नजर नहीं आते, कहीं दौड़ते हुए नजर नहीं आते, कहीं साइकिलिंग करते हुए नजर नहीं आते, कहीं वर्जिश करते हुए नजर नहीं आते, इतनी लंबी लंबी जवानियां लेते हुए नजर आते हैं कि अगर कनाडा का गेंडा भी अगर अंदर दाखिल हो सकता है, लाहौर हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लम ने ऐसी सुस्त उम्मत तैयार की थी। फजर की नमाज के बाद थोड़ी तिलावत कर लो, उसके बाद दौड़ो, साइकिलिंग करो, वर्जिश करो, फिजिकल फिटनेस पर जोर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर मोमिन को देखकर खुश नहीं होते थे। हुजूर नौजवानों में कुश्तियों के मुकाबले कराते थे, घोड़ों और ऊंटों की रेस कराते थे। एक बहुत सरगर्म अमल, एक्टिव, फिजिकली फिट ईमान वाला अल्लाह को ज्यादा पसंद है।